कुछ लोगों को ना ये आदत होती है कि वो बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। मतलब छोटी छोटी बात भी अगर कोई नॉर्मल सी चीज भी उनको कह देता है ना जो उनको पसंद नहीं आती है या थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, देन वो उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई देन उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो बहुत ज्यादा सोचना ना कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। कुछ लोग ना इस चीज को एक बीमारी भी मानते हैं, लाइक बहुत ज्यादा सोचना, उसके बाद जो स्टेज आती है एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें होने लगती है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि कहीं ये बीमारी है, नहीं ये बीमारी से कम भी नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। हाय, हियर राजवी दिस साइड, यू आर वॉचिंग पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट विद राजवी। और इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप ज्यादा सोचना जो है ना बंद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सोचना बहुत अच्छी बात होती है, सोचना चाहिए, क्योंकि सोचने से आपको जो है सॉल्यूशंस मिलती है अपनी प्रॉब्लम्स के, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट बहुत ज्यादा सोचना ना एक टाइम पे कभी कभी आपका नुकसान करवाता है, घाटा ही होता है उसमें। तो बहुत ज्यादा सोचना बंद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी पड़ेगी ना, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू वांट, एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। और कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा सोच रहा है, वो तभी बहुत ज्यादा सोचेगा ना जब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। अगर मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है देन तब तो मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगी, ठीक है, जो मेरे काम है रोजमर्रा के जो करने हैं वो हम करते रहेंगे, वो सब तो फिर ठीक है, बैलेंस में हो जाता है। बट जब कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है, जहाँ कुछ ऐसा हो गया हमसे या जाने अनजाने में हम किसी को बता नहीं रहे हैं और हमने वो चीज़ कर दी है, अब वो चीज़ हमारे दिमाग में क्या है, कहीं ना कहीं हम उससे बचना चाहते हैं, वो दिक्कत दे रही है, हम उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उठते बैठते सोते जागते कोई भी काम करते हुए हमारे दिमाग में अगर कुछ चल रहा है तो वो है वो वाली प्रॉब्लम। अब आपने क्या है, इसको बंद करना है बहुत ज़्यादा सोचना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने से सोल्यूशन नहीं मिलता, सोल्यूशन सोचने से मिलता है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उसको कोई बेनिफिट नहीं है। तो पहले ना जो भी मैं अभी ये बताऊंगी, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, ठीक है, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम के बारे में देखो, उसके सॉल्यूशंस लिखो, रिटन में लिखने हैं वो चीज़ चाहिए, उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। जब आपके पास ये चीज़ आ जाएगी ना, तब आप सेकेंड स्टेप की ओर मूव करते हो, जिसमें आता है एक्शन मोड। अब एक्शन मोड में क्या आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें यही आती है कि आप एक्शन लो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक्शन ही नहीं लेते हैं, हमें पता होता है क्या करना है, हमें ये भी पता होता है कि कैसे करना है, बट हमारा दिमाग इतना ट्रिकी है ना, वो इतना बड़े लेवल पे गेम प्ले कर रहा है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि एक्शन मोड में आए कैसे। कहीं ना कहीं वो लेजीनेस आ जाती है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाती है, या वो फियर आ जाता है कि हम डरते हैं एक्शन लेने से। तो आपको क्या है, जस्ट एक्शन मोड में आना है। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है देन उसके सॉल्यूशन को लेकर आप एक्शन मोड में आ जाओ, या अगर ऐसे ही आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने फ्यूचर को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर, वैसे ही डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, क्योंकि जो इंसान फ्री बैठा रहता है ना, इतना ज़्यादा काम वगैरह नहीं करता है, देन उस मोमेंट पे ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। तो उस चीज़ से निकलने के लिए आपको काम ही करना पड़ेगा। अब क्या काम करना पड़ेगा, ये वही चीज डिसाइड करेगी जो मैंने पहले बोला कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। वो सारी चीजें लिख लो और उनके लिए आपने क्या है, मेहनत करनी शुरू करनी है, काम करना शुरू करना है, प्लान बनाओ, स्ट्रेटजीज बनाओ, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। अपना कुछ डे का रूटीन आप फिक्स कर लो, कुछ नाइट का रूटीन आप फिक्स कर लो कि ये सारी चीजें करनी करनी है चाहे कुछ भी हो। तो वो चीज क्या है, आपको पुश करती है एक्शन मोड में आने के लिए। और जब आप एक्शन मोड में आते हो तब आप काम करना शुरू करते हो, और जब आप काम करना शुरू करते हो ना तब चीजें होती है लॉजिक के बेस पे, ना कि गैस के बेस पे। आप ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते हो, अब आप थिंकिंग करोगे उस चीज का एग्जीक्यूट करोगे, वो चला तो चला, नहीं तो और कुछ नया सोचोगे, उस हिसाब से काम करोगे। ओके, तो ये दो चीजें हैं, और ये दो चीजें आप तभी कर सकते हो जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे। ओवर थिंकिंग में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम अज्यूम बहुत करते हैं, हम एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज्यादा होती है, या हमारी होप्स बहुत ज्यादा होती है, हम ना काश वर्ड में बहुत ज्यादा होते हैं कि काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, ऐसा वैसा। तो वहां पे ज्यादातर ना हम गैस करते हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग एक्चुअली। वो क्योंकि एक गैस है, उसमें क्या है पॉसिबिलिटी होती है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता,
इट्स बेटर कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट करो और उस मोमेंट पे लॉजिकल होके सोचो, और जो आपका पास्ट है, जो आपने कर ही दिया है, उसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते हो, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हो, और जो फ्यूचर है उसके बारे में बहुत ज़्यादा वरी करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो भी कुछ ऐसा होता है अनप्रडिक्टेबल सा। तो इट्स बेटर कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट करो और जो आपको चाहिए उसके लिए आप काम करो, एक्शन मोड में आओ, ना कि ऐसे खाली फालतू बैठे बैठे सोचते रहो या सैड सॉन्ग सुनते रह गए या ये वो सारी चीज़ें का ना फिर कोई भी बेनिफिट जो है नहीं होता है। और अगर आपने इस चीज़ को नहीं छोड़ा, आप ओवर थिंकिंग करते रहे, आप सोचते रहे, देन वो दिन दूर नहीं है जब आप एंग्जाइटी में चले जाओगे, और एंग्जाइटी के बाद आप डिप्रेशन में आना शुरू कर दोगे, और उसके बाद फिर लाइफ जो है ना थोड़ी सी टफ लगने लगती है इंसान को। अगर आपको अभी रियलाइजेशन है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसको क्या है आपको ओवरकम करने के लिए, जो मैंने ये तीन चीज़ें बताई हैं, आपको इनको करने की जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप ये आपकी इनर पर्सनैलिटी को डिवेल्प करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये चैनल जो है पर्सनैलिटी डिवेल्पमेंट से रिलेटेड है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, देन इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि जितनी भी मैं आगे वीडियोस अपलोड करूँ ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, उन सब के नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ और वो वीडियोस जो हैं आप टाइम टू टाइम वॉच कर पाएँ। क्या पता मैं कोई ऐसे वीडियोस बना दूँ उस मोमेंट पे जिसकी आपको ज़रूरत हो, और उसी मोमेंट पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको कुछ सही गाइडेंस और समथिंग जो है प्रोवाइड हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टुमारो।